हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही मजे में होंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू ट्रेंडिंग टेक्स्ट ग्लो स्टेटस एडिटिंग कैसे करें काइन मास्टर से। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी रिलेटेड वीडियो आपके पास अवश्य जाए। अगर आप काइन मास्टर का प्रो वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जो वहाँ पे एक से एक HD फोटो मिलता है। वहाँ पे जितने भी प्रो वर्जन ऐप्स है वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं अपनी वीडियो को चालू कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा काइन मास्टर ऐप दिख रहा है। काइन मास्टर पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर लेने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला और यहाँ पे क्रिएट न्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे 16 नाउ का फ्रेम लेकर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से मैंने जो फेवरेट कलर रखा है उसको कलर कर लेते हैं, या आप व्हाइट कलर को ले लीजिएगा। इस पर क्लिक कर लेने के बाद मैं अपने व्हाइट कलर को ले लिया और यहाँ पे लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग पर जाएंगे और हैंड राइटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रश पर जाकर हम इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो कलर है कलर को हम इसको क्लिक करके यहाँ पे सही कर देंगे और इस पर हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फिर से हम दूसरा कलर लेंगे, इसी तरह करके बारी बारी से हम सारे कलर को ले लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे कलर से लेकर कुछ इस तरह से लाइनिंग ले लेनी है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हम सारे लाइनिंग को खींच लिए और यहाँ पर सही का ऑप्शन दिख रहा है, सही पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हम इसको लो क्वालिटी में करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सेव हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा वीडियो जो सेव हो चुका है और यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद फिर से और यहाँ पे क्रिएट न्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से 16 नाउ का फ्रेम है, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से जो हमारा फेवरेट कलर है उसको ले लेते हैं और इसको कट कर लेंगे। और इतना हो जाने के बाद हम लेयर के फर्स्ट में चले आते हैं और यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे और मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, सुजीत शर्मा एडिटर। देखिए दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख लिया है और यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कलर को चूज कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर का चूज कर लिया और यहाँ पे सही का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद फिर से हम लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाने के बाद हम मीडिया पे जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। जो हमने पहले से जो लाइनिंग खींच कर जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है उसको हम ले लेते हैं और इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जितना हमारा टेक्स्ट है उतना हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हम सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे ग्लो क्विक्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से कुछ हो जाएगा और इस पर सही का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से जो हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ से हमको ब्लेंडिंग पे जाना है। ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद हमको स्क्रीन कर देना है और यहाँ से सही का जो निशान के सही कर देंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो कितना मस्त दिख रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आपके पास अवश्य जाए।